अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, सलाजीत आपने बहुत नाम सुना होगा। सलाजीत के बारे में आम तासुर ये है कि ये शायद सिर्फ मर्द ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी कुछ मखसूस कामों के लिए। यही इसके बारे में एक तासुर है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। इसमें वो कुछ पाया जाता है जो आप सोच सकते हैं वो इसमें पाया जाता है, और जो नहीं भी आपने सोचा वो भी इसमें पाया जाता है। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत ही कमाल किस्म का मल्टी मिनरल कंपाउंड है। तो आज के इस वीलॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये सलाजीत होती क्या है, आती कहाँ से है, किन लोगों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को इसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सलाजीत खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं या औरतें भी खा सकती हैं, और किन औरतों को खानी चाहिए, क्या बच्चों को खानी चाहिए या नहीं, बुजुर्गों को खानी चाहिए या नहीं, और इसमें दो नंबरी क्या क्या हो सकती है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये सब कुछ हम आज के इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी आते हैं जी। सबसे पहली चीज, इसका मुख्तसर सा तारुफ कि सलाजीत असल में ये जो हमारे अजीम पहाड़ी सिलसिले हैं, पाकिस्तान में, ईरान में, इंडिया में, नेपाल में, चाइना में, अफगानिस्तान में, ये सारे पहाड़ आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो अजीमुशान पहाड़ी सिलसिले हैं, इन पहाड़ों की जो चट्टानों में जो शगाफ पड़ते हैं, जो दरारें होती हैं, उनके अंदर एक स्याह रंग का एक मादा होता है जो कि उस ठंडक की वजह से क्रिस्टल पत्थर नुमा हो जाता है। असल में वो इन पहाड़ों की रतूबतें हैं, वो रतूबतें जो हैं उनको सलाजीत कहा जाता है। बहुत दुश्वार गुजार पहाड़ हैं, बहुत हाइट पे जाना पड़ता है, उन चट्टानों में बड़ा मुश्किल ढूंढना पड़ता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे शहद है, खालस शहद, ये हासिल करना आसान नहीं है, और खालस शहद हर एक को दस्तियाब भी नहीं है। इसी तरह जो खालस सलाजीत है, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत ही अनमोल किस्म का तोहफा है। खास तौर पर जो बे औलाद अफराद हैं उनके लिए तो ये कमाल है, जो कैंसर से बचना चाहते हैं उनके लिए बहुत कमाल चीज़ है, जो अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी कमाल चीज़ है। हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले एक स्टडी करवाई गई, क्लिनिकल स्टडी। उस स्टडी में क्या किया, 45 से 55 साल की उम्र तक के मर्द चुने गए, उनके सारे टेस्ट करवाए गए, सारे टेस्ट करवा के अपने पास रख लिया गया। उसके बाद उन अफराद को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। उन दोनों ग्रुप्स में गोलियां बांटी गई कि आपने सुबह नाश्ते में ये गोलियां आपने खानी है, खाली पेट, 3 महीने का टाइम दिया गया। अब दोनों ग्रुप्स को जो गोलियां दी गई थी उनमें एक फर्क रखा गया, एक को जो गोलियां दी गई उसमें सलाजीत थी, और जो दूसरे ग्रुप को गोलियां दी गई उसमें शक्ल गोलियों की वही वाली थी लेकिन उसमें सलाजीत नाम की कोई शय नहीं थी। 3 महीने के बाद उनके दोबारा टेस्ट किए गए, तो जिन लोगों को सलाजीत वाली गोलियां दी गई थी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म्स, जिन्हें तौलीदी खुलिये कहा जाता है, उनकी मकदार दूसरे ग्रुप के निस्बत खासी ज्यादा थी। तो इससे माहरीन को इसकी अफादियत के बारे में और ज़्यादा तसल्ली होगी। आप में से बहुत सारे लोग ये हैरान होंगे कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है। आदमियों के लिए जो सबसे कीमती हार्मोन है, जिसे किंग ऑफ हार्मोन्स भी कहा जाता है, उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इसको दूसरे अल्फाज में मर्दाना हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि मर्दों में 30 साल की उम्र तक इसमें इजाफा होता रहता है। 40 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन के लेवल में तेज़ी से कमी होना शुरू हो जाती है, जो कि वक्त के साथ साथ कमी ज़्यादा होती चली जाती है। उस एज में बहुत ज़रूरी होता है कि ये इसमें इजाफा हो, क्योंकि जितना इसमें
हार्मोन के लेवल में इजाफा होगा उतना मर्दों के लिए बहुत फायदा है, और ये मर्द के सारे अफाल के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, चाहे उसकी आवाज का भारी होना क्यों ना हो, चाहे उसकी ताकत में इजाफा होना हो, चाहे मसल्स का मामला हो, चाहे बाल गिरने का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत अहम किरदार होता है। और लोग इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इसके इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, क्योंकि ता देर अगर आपने जवान रहना है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप अपनी उम्र से कम नज़र आना चाहते हैं तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होगा तो आप अपनी उम्र से छोटे नज़र आएंगे। ज़्यादा उम्र तक चाको चौबंद और सुपर फिट रहना चाहते हैं तो भी टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ज़्यादा होगा तो ही आप सुपर फिट रह सकेंगे। यानी इस हद तक अहम तरीन रोल है इस टेस्टोस्टेरोन के लेवल का, इस हार्मोन का मर्दों के लिए। अब अगली चीज़ आ जाए, तौलीदी खुलिए। तौलीदी खुलिए जो हैं, जिससे आगे बच्चों ने जन्म लेना है, उनकी अगर तादाद मर्दों और औरतों में कम हो जाए तो वो बे औलाद रहेंगे। तो इसके लिए ये जो सलाजीत है ये उन तौलीदी खुलियों को, स्पर्म्स को भी बढ़ा देती है और बे औलादी से भी बचा लेती है, ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके बाद आ जाए कि वो ख़वातीन अनीमिया का शिकार है, क्योंकि ख़वातीन को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल रहते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस भी होता है, और उन्होंने चूँकि माएँ भी ख़वातीन नहीं बनना होता है तो उनके जिस्म के अंदर बहुत से मिनरल्स की, बहुत से ज़रूरी अज्ज़ा की कमी हो जाती है। उस कमी को भी यही सलाजीत पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है, क्योंकि इसमें 84 किस्म के कीमती तरीन मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, तोहफा है, जो कि हमें खुराक की सूरत में अल्लाह पाक ने अता किया हुआ है। और जितनी मुख्तफ तरह की जो उसमें नुस्खे हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वो लोग जिनके बच्चे, छोटे बच्चे जिनके पेट में कीड़े हैं, उन्हें कोई खाया पिया नहीं लगता, उनके लिए भी ये सलाजीत बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वो लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं उनके लिए भी सलाजीत बहुत अच्छी। क्यों, ये कैसे बचाती है? क्योंकि हम जब भी कोई शय खाते हैं तो वो हमारे मेदे में जाके उसका जब हाजमे का अमल शुरू होगा तो उसकी तोड़फोड़ होगी। उस तोड़फोड़ के नतीजे में कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हम बाज़ार से लेते हैं, जो तली हुई हैं और ऐसे तेल में तली हुई हैं जिसे तेल को अपनी उम्र पूरी करने पर ज़ाया नहीं किया गया और उसमें और तेल डाल दिया गया। अब वो उस तेल में जो तली हुई चीज़ें होंगी या ऐसी अशिया जो बार बार गर्म की जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, उन्हें फिर गर्म किया जाता है, चाहे तल के चाहे ओवन में करके उनको बार बार गर्म किया जाता है। ऐसी अशिया जब हम खाएंगे उनके इन हजाम के दरमियान, उनके हाजमे के दौरान उसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे जिस्म के खुलियों को जाके डैमेज करते हैं। अब उनमें से, उन सेल्स में से कुछ सेल्स जब टूट फूट का शिकार होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, डैमेज होते हैं, वो वहीं पर रुक जाती है, वो हम कुछ ऐसा खाते हैं वो उनका आगे गलने सड़ने का अमल रुक जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ख़राब होते रहते हैं, जिनका नुकसान बढ़ता चला जाता है, वो जो उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो बाद में कैंसर का सबब बनती है। और इसमें दूसरे माहौलियाती अवामिल भी हैं, अगर हम उस तरफ चले गए तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं फोकस रहता हूँ। जो सलाजीत है ये जिस्म में जितनी किस्म की सोजिश होती है, जो इन्फेक्शन होती है, चाहे वो फ्री रेडिकल की वजह से हो, ये उसको ठीक कर देती है, उसको रोक देती है, उसकी वजह से सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाती। और जब एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होएगी तो इंशाल्लाह कैंसर नहीं होएगा। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर वो लोग
जो अपनी जो चाहते हैं कि वो चाको चौबंद रहें, अपनी उम्र से छोटे रहें, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें, उन वो हमेशा जवान नज़र आएं जिस्मानी तौर पर भी और ज़ाहरी तौर पर भी, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उम्र के बढ़ने के की जो रफ्तार है उसको सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अरसे तक जवान नज़र आते हैं और रहते भी हैं। आगे आ जाएं, हमारे बुज़ुर्ग जो भूल जाते हैं, अल्जाइमर का शिकार है, याददाश्त की कमी है, उन्हें याद ही नहीं रहता, अपने बच्चों का नाम भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने दवाई खाई है या नहीं खाई, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया, घर से निकलेंगे अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे, तो उनको भी सलाजीत देनी शुरू कर दें, ये बहुत कमाल है। आप देखिएगा कि उनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। वो लोग जो डिप्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, उनके लिए भी सलाजीत बहुत अच्छी चीज़ है। जिनके गर्दन और कंधे के जो पट्टे हैं इनमें दर्द रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो ख्वातीन जो हर वक्त थकी थकी रहती हैं और मुख्तलिफ किस्म की दर्दें रहती हैं उनके जिस्म में, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप देखें कि ये अल्लाह पाक का कितना अजीम तोहफा है। ये जो आप बड़े महंगे महंगे मल्टी विटामिन लेते हैं, बड़े महंगे पेन किलर्स लेते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ ये सलाजीत है। अब अगला सवाल ये है कि ये खानी किस तरह है और इसकी मकदार क्या होनी चाहिए। तो इसको ये करना है आपने कि 250 मिलीग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो ये 25 मिलीग्राम यानी आप ये समझ लें कि एक जो नॉर्मल साइज़ का चना होता है उस चने जितनी लेनी है, मटर के दाने जितनी समझ लें आप, ये आपकी 24 घंटे की खुराक है और ये मैक्सिमम खुराक है। आपने जब शुरू करनी है तो चावल के एक दाने से शुरू करें, जैसे जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए फिर आप बढ़ा के इसको मटर के दाने के बराबर या एक नॉर्मल साइज के चने के दाने के बराबर इसको ले जाएं। और लेनी किस तरह है कि सुबह खाली पेट गर्म दूध के साथ ये लेनी है। इसमें कड़वाहट होती है, अगर आपको इसका जायका पसंद ना आए तो आप इसकी गोली सी बना लें और ऊपर से गर्म दूध पी लें, और उसके बाद तब तक आपने कुछ नहीं खाना जब तक आपको अच्छी भूख ना लग जाए, उसके बाद आप फिर दूसरा कुछ और खाएं ताकि ये अच्छी तरह जुज़्वे बदन बन जाए। अगला सवाल ये है कि किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिनमें पहले ही खून में सुर्ख खुलिए ज़्यादा हैं, वो लोग ये ना लें क्योंकि इसमें आयरन की वाफर मकदार पाई जाती है, ये खून में सुर्ख खुलियों की तादाद और ज़्यादा बढ़ा देती है, तो उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। जो गर्म मिजाज के हामिल लोग हैं तो वो इसको एहतियात करें, वो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो भी पहले एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, या अगर आप कोई ऐसी अद्वियात लेते हैं तो बेहतर यह है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। ये दिल को बहुत ताकत देती है, हमारे मसल्स को बहुत ताकत देती है, जरियान का खात्मा करती है। आपने एहतियात इसमें क्या करनी, जिन दिनों आप ये खा रहे होंगे उन दिनों आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आपको इसके, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को जो गर्म मिजाज के अमल हैं तो उन्हें चाहिए कि उन दिनों ऐसे मशरूबात, ऐसे जूस इस्तेमाल करें जिनकी तासीर ठंडी है। जैसे अगर गर्मियों में खा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि तरबूज खाएं, उन्हें चाहिए फालसे का शरबत पिएं, तरबूज का जूस पी लें। अगर सर्दियों में खा रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि गाजर का जूस ज़्यादा पिएं। तो जब आपने ये खाना है उन दिनों आपने ये कोशिश करनी है कि तली हुई अशिया कम खाएं, आपने ये कोशिश करनी है कि सब्ज़ रंग के पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को औलाद नहीं हो रही है अल्लाह के फजल से उनको औलाद भी होगी, और जो दूसरे मसाइल के लिए ले रहे हैं उनके वो मसाइल भी हल होंगे। अगला सवाल ये है कि कौन सी सलाजीत लेनी है और जाली सलाजीत की क्या पहचान है। ये चूंकि थोड़ा सा तवील है तो हम इस वाले वीलॉग को आज यहीं रोकते हैं। जो अगला वीलॉग है उसमें मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताऊंगा कि खालस सलाजीत की पहचान क्या है, कौन सी सलाजीत खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए।
और आप खुद घर पर सलाजीत को किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं, ये हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।